हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नोर स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका पीएसडी में जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है, तो उसका जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपका पीएचडी के लिए 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म रिलीज किया जा चुका है, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहा है कि एग्जामिनेशन उनका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, उनके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं, सभी के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो इग्नू से पीएचडी करना चाह रहे हैं या फिर इस बार करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, देन वो सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट जरूर देख ले और पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिकॉज आगे पूरी जानकारी, आपकी एडमिट कार्ड कब आएगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, ये सब पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप हमें सभी सोशल मीडिया के भी थ्रू फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है तो उसमें आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कोई कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी होता है, 25 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन होता है, तो कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो कोई दो मार्क्स का होता है, तो कोई 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। इग्नू से पीएचडी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, तो सभी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो सभी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो कोई सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव या फिर कितने मार्क्स का, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए हर एक स्टेप को आप सुन लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन और डाउट आपको नहीं रहे, राइट। तो यहाँ पर आना है जो कि है आपका इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, राइट। यहाँ से आपको जाना है डाउनलोड में, जो कि यहाँ पर आप डाउनलोड का सेक्शन देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे देन आपका ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, फाइन। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एंट्रेंस टेस्ट पेपर्स, राइट। तो जैसे ही आप एंट्रेंस टेस्ट पेपर पे क्लिक करेंगे देन ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर पीएचडी एमफिल एंड अदर प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम के लिए आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का पेपर यहीं से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देन ये इंटरफेस आपको निकल के आ जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी 18 सब्जेक्ट में किए जा सकते हैं, जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, फाइन। और सभी के क्वेश्चन पेपर अलग अलग पैटर्न से डिजाइन किए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको मैं एक करके दिखा देती हूं, जो कि है केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि यहां पर रहा एंट्रेंस टेस्ट 2019। आप यहां पर देख पा रहे होंगे पीएचडी या फिर इसी को बोलते हैं एमफिल केमिस्ट्री में, राइट। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि फुल मार्क्स होता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है, मीन्स आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। टाइम आपको कितना दिया जाता है, तो टाइम आपको 3 आवर का दिया जाता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। और नोट में आपको बता दिया जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये क्वेश्चन जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। पार्ट ए इज बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हैज 10 questions of 5 marks ईच, राइट। पार्ट ए में आपका 10 questions पूछा जाएगा, जिसमें से सभी क्वेश्चन 5 5 marks के होंगे, ठीक है। और पार्ट टू आपका बेस्ड है ऑन केमिस्ट्री एंड हैज 25 questions of 2 marks, मीन्स आपका पार्ट टू में 25 questions है जो कि 2 2 marks का होगा, राइट। और यहाँ पर आपको बताया कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, टोटल क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, फाइन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैटर्न को पढ़ लेना है, राइट। तो पार्ट ए में से आपको 10 questions को बनाना होगा जो कि 5 marks का होगा, तो 10 questions 5 marks, तो यहाँ पर हो गया 50 marks, राइट। और पार्ट टू में से आपको 25 questions होंगे जो कि 2 marks के होंगे, जो कि टोटल बनाना है, तो 25 questions और 2 marks, तो ये भी हो गया 50 50, ये और 50 ये, तो टोटल हो गया 100s, और टोटल 100 marks का ही आपका एग्जामिनेशन होगा, 3 आवर आपका टाइमिंग दिया जाएगा, राइट। तो पार्ट वाइज बांटा गया है, यहाँ पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, तो पार्ट वन जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन रहा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन रहा आपका, यहाँ पर आपको 10 questions दिया गया है और सभी क्वेश्चन 5 5 marks के हैं। तो गाइज ये हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे लिस्ट एनी 5 aims of search, राइट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि पार्ट ए में 10 questions है जिसका आंसर आपको देना है, टोटल क्वेश्चन कंपल्सरी है, फाइन। तो ये हो गया आपका पार्ट वन जो कि 50 marks का है, ठीक है।
और पार्ट बी रहा यहाँ पर, जहाँ पर आपको बताया गया है कि द क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 35 हैव ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, विच द करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर शीट, राइट, मीन्स इसमें से एक ही करेक्ट आंसर है और आपको उसको टिक करना है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 35 नंबर क्वेश्चन जो भी होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है आपका, आपको ऊपर ही नोट में बता दिया गया है यहाँ पर ही, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रहा इसका 11 नंबर का क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे आएंगे तो आपको हिंदी में दिया गया है यहीं पे, ठीक है। तो हिंदी में दिया गया है पार्ट ए को, यहाँ पर भाग क लिखा गया है और हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, और भाग ख लिखा गया है और हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक आंसर होगा जो कि आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से 12 नंबर में आएंगे तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है पार्ट 2 का क्वेश्चन, जो कि 11 नंबर ऊपर था और 12 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक पेज आप देखेंगे तो इंग्लिश में दिया गया है और एक पेज आप देखेंगे तो हिंदी में दिया गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से देख लेंगे और नीचे आएंगे तो फिर ये रहा पेज आपका इंग्लिश में, ठीक है, और ये जब एंड होगा तो फिर हिंदी वाला स्टार्ट हो जाएगा 19 नंबर से। इसी तरीके से ये 35 नंबर क्वेश्चन तक चलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पेज हिंदी में तो एक पेज इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन देखेंगे आप तो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइन। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 35 क्वेश्चन, जिसमें एक ही आपका आंसर है और ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, और अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करना होगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को डाउनलोड, ठीक है। और गाइस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कर लेना है और आपको आंसर शीट दिया जाएगा उस पर फिलअप कर देना है, राइट। तो ये रहा केमिस्ट्री का, चलिए देख लेते हैं और नेक्स्ट किसी और का, ठीक है। गाइस यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के लिस्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने केमिस्ट्री का देख लिया, चलिए मैं एक और आपको इंग्लिश का दिखा देती हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इंग्लिश का पेपर है 2019 के, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम 2019 के क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स में टोटल मार्क्स 100 मार्क्स दिए गए, टाइमिंग आपका 3 आवर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या होगा ये नोट में बता दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है और बताया गया आपको अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल विथ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, योर आंसर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड्स ईच, राइट, और ऑल क्वेश्चन इज कंपल्सरी। मीन्स ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। और सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, बट आपको कंपलसरी है इसमें से 2 क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मीन्स सेक्शन ए में से आपको 2 क्वेश्चन करना है और सेक्शन बी में से आपको 2 क्वेश्चन को करना है। और सेक्शन ए में दिया गया है 5 क्वेश्चन टोटल और सेक्शन बी में दिया गया है टोटल, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 6 से लेकर 15 तक क्वेश्चन, बट आपको दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये 25-25 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनाएंगे आप तो 50 मार्क्स हो जाएगा, और सेक्शन बी में से किसी 2 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो 50 मार्क्स का हो जाएगा, और आपका सभी क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो गाइज इसी तरीके से आपको जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखना है तो वो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेंगे। ये 2019 का हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर 2016, 18 और 17 का भी अपलोडेड है। यहाँ से आप जिस भी ईयर का चेक करना चाहते हैं वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आप पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कंफर्म यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई थिंक कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में ईजी हो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। गाइज मैंने आपको बता दिया कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ सेंड करें जो कि इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि पूरी जानकारी आपको इग्नू से रिलेटेड यहीं पर मिलेगी, राइट। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।